टीआरई 2.0 होने जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग कुछ जानकारी लोगों को दे दें, खास करके आपके माध्यम से कैंडिडेट्स को जानकारी बहुत आवश्यक है। पहली बात कि हर बार की तरह एक घंटा पूर्व सेंटर पर एंट्री बंद हो जाएगा, तो और इस बार हम लोग एंट्री के समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्टली करेंगे, क्योंकि हम लोग का यह प्रयास है कि अगर कोई भी इम्पर्सनेशन, कोई भी मुन्ना भाई अगर हैं तो परीक्षा के दौरान ही हम लोग पकड़ लें। इसलिए हम लोग एंट्री के समय में ही काफ़ी सतर्कता पूर्वक उनकी बायोमेट्रिक चेकिंग की जाएगी, उसमें ज़्यादा समय लगना स्वाभाविक है, और इसलिए हम सबसे आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करेंगे कि वो लोग पर्याप्त मार्जिन रखते हुए पहले ही पहुंच जाएं सेंटर पर और अपना जगह ले लें। दूसरा कि पिछले बार कैंडिडेट्स लोगों ने कई तरह की गलतियां किया था, जैसे रोल नंबर की गलती एक बहुत प्रमुख गलती थी, कोई एक डिजिट छूट गया, कभी कोई दूसरा डिजिट छूट गया, कोई गलत लिखा गया, तो इसके कारण से जो कठिनाई हुई थी, तो इस बार हम लोगों ने उनके एडमिट कार्ड में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये एडमिट कार्ड का एक नमूना है, ये एडमिट कार्ड में ही यहाँ पर बना हुआ है उनको अपना रोल नंबर अपना रंगने के लिए। इसमें कोई ऐसा कोई अजूबा चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको फ़ोटो खींचने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये उनके लिए है कि अगर वो अपने घर बैठे हुए ठंडे दिमाग से, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में, तनाव में आकर के वो कई कई गलती कर देते हैं, इसलिए वो पहले ही अपना रोल नंबर लिख करके और गोला बना लें, गोला को रंग लें सही सही तरीके से, घर में है तो अपना जितने बार उसको करेक्शन करना अपना कर लें वो, और उसके बाद वो उसी को लेकर के आए वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर वो उसी गोला के हिसाब से ओएमआर शीट में गोला बैठाएं, तो गलती नहीं होगी, चांसेस कम है गलतियों में। दूसरा, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत डाल दिए, और हम लोगों के पास में ऐसे कंप्लेन भी आते हैं कि भाई हमने तो ये, हमारा तो नंबर कम हो गया, लेकिन कई कई लोगों ने जैसे हिंदी और उर्दू बंगला जो भी सेलेक्ट करना था तीनों रंग दिया है, अब आप सुनते रहिए उसमें बैठ कर कि कौन कौन सही है कौन गलत है, और उसके नेचुरली अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब कंप्लेंट का रोने लगने की स्थिति हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस बार पहले ही साफ कर दिया कि हम आवेदन में जो लेंगे, जो आप ठंडे दिमाग से, चूँकि आप आवेदन भर रहे हैं तो आप ठंडे दिमाग से अपना भर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन रहे हैं आप उसी समय चुन लें आराम से, और एग्जामिनेशन हॉल में हम कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम पूछते हैं आप गलती करते हैं फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस होता है। आपकी सहूलियत के लिए, मतलब अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कि उसने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है, वैसे तो हम लोगों ने एडमिट कार्ड इतना नज़दीक है इसलिए उसको याद तो होना चाहिए कि उसने क्या चुना है, लेकिन फिर भी अगर वो भूल गया कि हमने क्या चुना था, तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका सोशल साइंस का पेपर जैसे है, तो उस नमूना है, ये जैसे रियल केस ही है लेकिन है नमूना के लिए है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें उसका कॉम्बिनेशन अंकित है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भूल भी गया हो, अगर वो कि उसको हिस्ट्री की पॉलिटिकल साइंस क्या कॉम्बिनेशन चूज करना है, किसका आंसर देना है, क्योंकि इसके बुकलेट में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी रहेगा, ज्योग्राफी का भी रहेगा और इकोनॉमिक्स का भी रहेगा, लेकिन उसको करना है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के, और अगर हिस्ट्री पहले है तो पहला 40 क्वेश्चन जो होगा, मतलब मेन कॉम्बिनेशन पार्ट का, वो हिस्ट्री का करना है, और दूसरा पॉलिटिकल साइंस है तो अंतिम 40 क्वेश्चन जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस का ही करना है उसको, क्योंकि जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस में उसने भरा है, इसी सीक्वेंस में उसको आंसर करना है, और ये सीक्वेंस वहाँ पर दिया हुआ है जो उसने भरा है कि पार्ट ए में हम हिस्ट्री एंड पार्ट बी में हम पॉलिटिकल साइंस, तो उसको उसी हिसाब से
प्रथम 40 जो है उसको हिस्ट्री, द्वितीय पॉलिटिकल साइंस, तरह से चुनना है। एक सौ पचास क्वेश्चन, 160 नहीं है, 150 क्वेश्चन। मैं फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग भी क्लियर रहें और अपने संपर्क में और अपने मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी सतर्क कर दें। वैसे है, मुझे उम्मीद है कि अभ्यर्थी ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी किया होगा, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए, प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं किसी भी पेपर में, प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग के हैं, और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन हैं, जैसे सोशल साइंस का जैसे अभी एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक 40 क्वेश्चन जो हुए वो जनरल स्टडीज के होंगे, जो सोशल साइंस पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो 71 से लेकर के जो 150 तक जो होंगे, तो 71 से 40 में जोड़ दीजिए 110 तक, 71 से 110 तक जो होंगे, ये जो 40 क्वेश्चन होगा, इस कैंडिडेट ने चूंकि हिस्ट्री पहले चुना है, तो 71 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 110 क्वेश्चन नंबर तक वो 40 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेगा और हिस्ट्री के हिसाब से उसमें आंसर भरेगा OMR शीट में। और फिर 111 से लेकर 150 जो क्वेश्चंस होंगे वो उसको पॉलिटिकल साइंस, चूंकि इसमें लिखा हुआ है, तो वो पॉलिटिकल साइंस वाला पन्ना पलटेगा, उसका क्वेश्चंस देखेगा और 111 से 150 पॉलिटिकल साइंस भरेगा। ये सीक्वेंस है और मैं समझता हूँ कैंडिडेट्स को पर्याप्त इसमें सूझबूझ होनी चाहिए। अगर सूझबूझ नहीं होगा तो शायद शिक्षक बन